यार आप लोग भी वो मिस करते होगे ना, वो शादियों में जाना सजना सवरना। मैं तो बहुत ज्यादा करती हूँ, मुझे ना सजने को बहुत शौक है। इसी वजह से आपको पता है आज मैंने बिंदी भी लगाई है। काफी दिन हो गए थे मैं बिंदी नहीं यूज की थी। मेरे को अच्छा लगता है बिंदी लगाना, लिपस्टिक लगाना, नया नया कुछ पहनना। और जब अगर किसी के घर में शादी हो फिर तो फुल ऑन मतलब ड्रेसअप होकर कहीं जाना। मेहंदी का अलग, हल्दी का अलग, जयमाला का अलग, फेरों का अलग और विदाई का अलग होता है ना, समय होता है तो। पर अब जब से लॉकडाउन हुआ है तब से शादियों के तो सारे कितने लोग बोला शायद 50 सालों शादी में जाते भी। और मेरे को तो अभी तक किसी ने बुलाया भी नहीं है। आप लोगों को बुलाया भी होगा पर मेरे को किसी ने नहीं बुलाया भी। तो शादी से याद आया कुछ, शादी की आज मैं फनी वीडियो चलाती हूँ, आप लोग भी देखिए मेरे साथ, मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, कुछ फनी शादी का देखते हैं। अरे दीदी आपकी ही शादी है, थोड़ा मुस्कुरा भी लो। क्या क्या क्या, आप खुद ही चढ़ जाओगे सोफे पे, ऐसा मत करना। अच्छा आप यहीं से डाल दोगे मुझे। ओह मतलब वो शादी से खुश नहीं थी या उस लड़की ने कुछ तो करा नहीं, ऐसा तो हमें देखा नहीं। थप्पड़ किस बात का पड़ा, पहले से थोड़ा सा मुंह फुला के तो वो खड़ी हुई थी, पर थप्पड़ किस बात का था ये, फिर से देखें एक बार और चलाती हूँ। नहीं समझ में आया मेरे को उसने थप्पड़ क्यों मारा, उसने सिर्फ उसको उठाया था, उस बात पर उसने थप्पड़ ही जड़ दिया। कोई नहीं चलो अगला देखते हैं। भाई किससे डर रहा है, तेरी पत्नी है, इतना को डर के जगह डाल रहा है। ओ आंटी देख लो उसकी तरफ, बिना देखे डालोगे तो ऐसे ही होगा। फिर
फिर से नहीं देख रही है यार, क्यों? पर आपका ही पति है, बिल्कुल सही करा, अच्छा रिएक्शन था। आप देख तो सकते ही हो ना, क्यों नहीं देखा आपने? आपका ही पति था, आपकी शादी हो रही थी। दूसरा देख, लड़की माला पहना, बेटा माला पहना, लड़की माला पहना। सामने देखिए, अब आप माला पहनाइए शांति से। हाथ हुआ सामने देखिए, मेरी तरफ मत ध्यान दो, ध्यान वीडियो की तरफ दो प्लीज। मेरे को मत देखो, मेरे को देखते रहते हो सब लोग, वीडियो देखो ना। भाई खुश तो बहुत लग रहा है तू। हाँ हाँ पहना दे, पहना दे उसी को, पहना दे, देखते हैं हम भी। पहना दो तेरी इतना छुट्टिया। इसने
कैसा लगा आप लोगों को मेरा आज का वीडियो? मैं ज़्यादा नहीं आज शूट कर पाई और बना पाई। एक्चुअली क्या है ना कि एसी पंखा सब बंद करके शूट करना पड़ता है, और फिर जितने और भी लोग होते हैं ना रूम में, लाइक माय हस्बैंड, उनको गर्मी लगती है, वो गर्मी में बैठना पड़ता है। क्योंकि क्या होता है, मैं वैसे शूट करती हूँ तो उसकी आवाज़ आती है। तो आज का मेरा वीडियो इतना ही सिर्फ, ठीक है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या, मतलब किस पे मैं रिएक्ट करूँ। ये वाली वीडियो भी मुझे किसने कमेंट करके बोला था, आप प्लीज़ इस पर, उन्होंने मुझे को लिंक दी थी पूरी वीडियो की, इसलिए मैंने इस पर रिएक्ट किया। ऐसे आप लोग मेरे को वीडियो भेजते रहिए, मैं उस पर रिएक्शन करती रहूँगी, ठीक है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएगा आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय। एक बात तो भूल ही गई, मेरे घर अभी भी ना बारिश नहीं हुई है, पता नहीं कब होगी। न्यूज़ में तो ये लोग ये दिखा रहे हैं कि यूपी में बाढ़ आ गई है, मुझे नहीं पता यूपी के किस इलाके में बाढ़ आई है, पर मैं जहाँ की रहने वाली हूँ वहाँ तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मेरे को वीडियो भी ज़्यादा छोटी छोटी करनी पड़ रही, क्योंकि गर्मी की वजह से ज़्यादा देर ए सी और पंखे के बिना मैं बैठ नहीं पाती हूँ, और वो चलाती हूँ तो फिर उसकी आवाज़ आती है, जिससे आप लोग सही से मेरी वीडियो को नहीं समझ पाते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं कुछ नया लेके आती हूँ, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएगा मैं किस पे रिएक्ट करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए।